ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो कर चले हम जानो तुम साथियों। वतन दिया हमें वतन के नौजवान शहीद हो। दोस्तों, देशभक्ति गीतों ने देशवासियों के दिलों में देशभक्ति का जज्बा भरने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ए मेरे वतन के लोगों, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर जैसे गायक गायिकाओं के अनेक गीतों ने लोगों के मन में देशभक्ति की भावना को उजागर किया है और देश के लिए मर मिटने को प्रेरित किया है। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है। हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा। लेकिन एक गीत ऐसा बना जिसने न केवल करोड़ों देशवासियों के मन में देशभक्ति की अलग जगाई, बल्कि उस गीत ने साम्राज्यवादी गोरों के दिलों में हड़कंप भी मचा दिया। हर धर्म और संप्रदाय के लोगों को आजादी के लिए लाम बंद करने वाला ये गीत सीधे सीधे अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देता था, लेकिन इसके बावजूद अंग्रेजी हुक्मरान इस गीत से धोखा खा गए। इस वीडियो में उसी गीत से जुड़ी अत्यंत दिलचस्प जानकारी देने जा रही हूँ, जिसने वर्षों तक अंग्रेजों को बेवकूफ बनाया, और जब उनको अपनी बेवकूफी का पता चला तब उनकी हालत खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली हो गई। दोस्तों, ये गीत 1943 में रिलीज हुई फिल्म किस्मत का है, जिसका निर्देशन ज्ञान मुखर्जी ने किया था। इसका निर्माण बॉम्बे टॉकीज ने किया था, जो सामाजिक विषयों पर फिल्म बनाने के लिए विख्यात थी। इस फिल्म के गीतों को संगीत से सजाया था प्रसिद्ध संगीतकार अनिल विश्वास ने। कवि प्रदीप के लिखे इस गीत को मुख्य स्वर दिया था अमीर बाई कर्नाटकी और खान मस्ताना ने। ये गीत फिल्म की हीरोइन मुमताज शांति पर फिल्माया गया था। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो सिनेमा घरों में दर्शकों की अपार भीड़ उमड़ पड़ी और रातों रात ये फिल्म हिट हो गई। इस गीत में भारत को गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों का सीधे सीधे नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन इसमें जर्मनी और जापान को ललकारते हुए उनको भारत से दूर रहने को कहा गया था। जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। ये वो समय था जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तमाम राष्ट्रीय नेता जेलों में बंद थे और देश एक कठिन समय से गुजर रहा था। ऐसे समय में कवि प्रदीप ने गांधी जी के आंदोलन को अपनी कविता में इस प्रकार ढाला। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। इस गीत के जरिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जनभावना को भड़काया गया था, लेकिन इस गीत में प्रदीप जी ने अपनी लेखनी का बहुत सावधानी से इस्तेमाल किया था। इसके एक अंतरे में जर्मन और जापानियों को दुश्मन कहा गया है, ताकि गोरी सरकार ये समझे कि ये गीत उनके दुश्मनों के विरोध में है। आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है। अमेरिका, सोवियत संघ और चीन एक साथ होकर जर्मनी और जापान से युद्ध कर रहे थे। ऐसे में चूंकि इस गीत में जर्मन और जापान जैसी फासिस्ट शक्तियों को संबोधित किया गया था, इसीलिए सेंसर बोर्ड ने कोई आपत्ति न जताई। उस समय के कड़े सेंसर नियमों के बावजूद ये गीत शब्दों के उलटफेर के जरिए सेंसर बोर्ड को बेवकूफ बनाकर पास कर लिया गया। मगर जनता अच्छी तरह अवगत थी कि गीत की पंक्तियों में किसको चेतावनी दी जा रही है। फिल्म के प्रदर्शन के दौरान दर्शकों के अनुरोध पर गीत को कई कई बार दिखाया जाता था और हर शहर में इसकी फरमाइश की जाती थी। फिल्म किस्मत ने एक ही सिनेमाघर में लगातार 3 वर्ष तक चलते रहने का रिकॉर्ड स्थापित किया था। मगर गोरी सरकार को शीघ्र ही अपनी गलती का एहसास हो गया और गीतकार के विरुद्ध गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए गए, जिसके कारण उन्हें कुछ समय के लिए सरकार की नजरों से छुपकर रहना पड़ा। जनता के दिलों पर इस गीत ने जो जादू किया, उससे गोरी सरकार परेशान हो गई। तो दोस्तों, आप इस गीत के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ये वीडियो कैसा लगा? अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों,
गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में कोई नई कहानी या जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।